बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली यू आर वेरी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर एंड दैट इज़ ऑन पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। दिस इज़ योर टॉपिक, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। नाउ एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल I want to introduce few terms with you. Cell membranes act as semi-permeable membrane. They maintain equilibrium within the cell as well as outside the cell by different phenomena. अब हम देख चुके हैं कि cell membranes जो हैं कि they act as semi-permeable. Semi-permeable membrane means they are acting like barriers. जैसे कि आप समझ लें कि gatekeepers हैं किसी जगह पे, कि दे विल अलाउ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास इनटू द सेल, दे विल अलाउ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास आउट ऑफ द सेल्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड परमीएबल, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। दे एक्चुअली मेंटेन द इक्विलिब्रियम। सो हमने इसकी मैंने आपको इसकी जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो वी हैड कम्प्लीटली डिस्कस्ड उसका जो हमने कंपोजिशन देखी थी या स्ट्रक्चर देखा था मेम्ब्रेन में। आई हैड टोल्ड यू कि उसमें जो लिपिड बाइलेयर है, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल आपको समझाई थी मैंने कि उसमें एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो जो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स या ग्लूकोज हैं वो तो पास नहीं हो सकते हैं, इसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास होंगे मेम्ब्रेन में से। सो इट इज़ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंट मैकेनिज्म जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में, उसमें एक डिफ्यूजन है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अब डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है। Diffusion is actually is the movement of molecules along concentration gradient. When we say that it is a movement along concentration gradient, it means that molecules will move from higher concentration towards lower concentration, right? Along concentration gradient means ki high concentration se low concentrated area jo hoga wahan pe molecules ki movement hogi. Now one thing which is need to be remembered is that rate of diffusion actually depends upon, ek to concentration gradient pe depend kar raha hai hamara rate of diffusion, dusra hamara depend karega rate of diffusion us pe iske size of particles pe depend karega, teesra depend karega temperature pe. So rate of diffusion actually depends upon three factors: concentration gradient, temperature and size of particles. साइज़ ऑफ पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन? हमने मैंने पहले आपको बताया कि जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन हो रही है कैसे, थ्रू मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स क्या हैं? दे आर सेमी परमीएबल। सेमी परमीएबल मींस के वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेंगी कि पास करें सेल से बाहर या अंदर, जिसमें कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। कुछ को जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हैं, उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो पास कर सके। सो दैट्स वाई एक तो ये उसके साइज़ ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है कि जो स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएंगे, जो लार्जर साइज़ पार्टिकल्स हैं दे विल नॉट पास आउट। फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रही है। तीसरा टेम्परेचर है। अच्छा, अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? वी नो दैट जब हम किसी कोई भी सब्सटेंस हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई सोल्यूशन हो, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज़ होगी। विद इंक्रीज़ इन एनर्जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज़, मोशन उनकी जो मोशन है वो इंक्रीज़ करेगी, मूवमेंट इंक्रीज़ करेगी। दैट्स वाई उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज़। ठीक है। अच्छा, अब जो इधर बेटा आपको बताना है इसमें
मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर इन मोशन व्हेन द सब्सटेंस इज अबव 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स के डिफ्यूजन जो डिपेंड कर रही है आपकी मोशन के ऊपर, जब मोशन बढ़ जाए 0 सेंटीग्रेड से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उसका क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि डिफ्यूजन एक्चुअली 3 टाइप्स की है। देर आर एक्चुअली 3 मेन टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। उसमें एक तो सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स कि जिसमें हम गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं, कि गैशियस एक्सचेंज हो रही है, मीन्स के उसमें उसकी एग्जांपल अगर हम देखें सिंपल डिफ्यूजन की, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। इसमें इवेपोरेशन भी आ जाती है, जिसमें कि वाटर इवेपोरेट कर रहा है प्लांट से, ट्रांसपिरेशन, वो भी एक टाइप्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन है। दूसरा प्रोसेस है डिफ्यूजन का, या टाइप जो डिफ्यूजन की है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स आर एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, पास आउट होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं। ऑस्मोसिस में भी हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इधर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर मूविंग अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स के फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू स्मॉलर लोअर कंसंट्रेशन। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन फैसिलिटी, हम इसको आगे इन डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको समझाती हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये है कि इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स यूज़ हो रही हैं जो कि फैसिलिटेट कर रही हैं इस प्रोसेस को। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारी स्लाइड में एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विद इन द बॉडी, के डिफरेंट डिफ्यूजन की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं जो कि हम अपनी बॉडी में दे सकते हैं। एक तो है कि मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन के। फिर दूसरी एग्जाम्पल है गैस एक्सचेंजेस इन गिल्स एंड लंग्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द विलाई। ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की जो कि बॉडी में हम दे सकते हैं, बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में हो रही हैं। अब ये जो फर्स्ट है गैस एक्सचेंज, एक्चुअली बेटा गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड कैपिलरीज दैट इन्वेलप देम। इनहेल्ड ऑक्सीजन व्हेन मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड इन कैपिलरीज टू एयर इन एल्वियोलाई। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये किसके ज़रिए हो रहा है, डिफ्यूजन के ज़रिए हो रहा है। दूसरी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि वो गैशियस एक्सचेंज गिल्स में और लंग्स में, मीन्स के जो हमारे फेफड़े हैं उनसे कैसे होती है। एक्चुअली वो अब मैंने आपको भी बताया। तीसरा है ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द विलाई। एक्चुअली स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एनिफ टू डिफ्यूज थ्रू विलाई एंड ब्लड स्ट्रीम। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ग्लूकोज, दे कैन मूव इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय डिफ्यूजन, राइट। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, जिसमें कि आगे डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, मैंने आपको बताया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ एक्चुअली ए सेल, व्हेन ए सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कि इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, कैरियर प्रोटीन्स। सो सॉरी, नेक्स्ट प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी तो नहीं है, लेकिन इसमें ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज़ हो रही हैं जो कि असिस्ट करेंगी फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एक्चुअली आर कैरियर प्रोटीन्स, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इट इज़ दीज एक्चुअली सर्व द फंक्शन ऑफ मूविंग अदर मटीरियल्स विद इन ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स हैं ना, दीज आर प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन इट्सेल्फ। अब इसमें जो एग्जाम्पल है हम दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की, उसमें एक तो सोडियम पोटाशियम पंप है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोडियम पोटाशियम पंप की मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व है।
फिर दूसरी एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी कैरियर प्रोटीन्स हैं। अच्छा, नाउ आई हैव गिवन हियर अ स्लाइड वेयर डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन इज रिटन, सो दैट आपको ये क्लियरली पता चल सके कि इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट है ये सिंपल डिफ्यूजन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होगी देर इज़ नो असिस्टेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। इन द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनर्जी देर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बट उसमें एक प्रोटीन चैनल होता है जो एक कैरियर प्रोटीन है वो रिक्वायर होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। होपफुली आपको ये जो आज का टॉपिक है डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप इसकी अब बुक पे भी रीडिंग करें इंशाल्लाह आपको, फिर भी अगर कोई किसी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसके बारे में यू कैन फ्रेंकली आस्क मी। थैंक यू।